आगरा में शहर कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पंडित नेहरू के योगदान पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया। आगरा में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यालय पर उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें पंडित नेहरू के योगदान और उनकी दूरदर्शिता पर चर्चा की गई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अमित सिंह ने विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए पंडित नेहरू की महानता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, पंडित नेहरू ने हमेशा एक प्रगतिशील भारत की कल्पना की है, जिसमें बच्चों को राष्ट्र के भविष्य के रूप में देखा गया। उन्होंने अपनी दूरदर्शी नीतियों और कुशल नेतृत्व से देश की चुनौतियों का सामना किया और भारत को प्रगति के पथ पर अग्रसर किया। उन्होंने पंडित नेहरू के पंचवर्षीय योजना की शुरुआत को भी सराहा, जिसे देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिला। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जिसने इस देश को सुई से लेकर भाखड़ानंदर बांध हो, IIM हो, IIT हो, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हो, इस देश का जिस व्यक्ति ने निर्माण किया, इस देश के जिसने पहचान दी पूरे देश और विदेशों में, एक उगता हुआ सूरज, चमकता हुआ तारा, ऐसे शख्सियत भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का आज महानगर कांग्रेस कमेटी पूरे हर्ष और उल्लास के साथ जन्मदिन मना रही है। आज देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिवस है। पहले तो सभी को जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे देश में ऐसे प्रधानमंत्री हमें देश में पहला प्रधानमंत्री ऐसे मिले जब देश में एक एक चेंटी के ले हो, एक एक सुई के लिए परेशान थे, जब देश के प्रधानमंत्री ने 200 करोड़ रुपए देश को दिया था। आज हम लोग एक ऐसी महान व्यक्तित्व का जन्मदिन मना रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस परिवार में जन्म लिया और ऐसे समय पर भारत में उन्होंने जन्म लिया जब ये देश गुलाम था, भारत माता जंजीरों में जकड़ी हुई थी, फिरंगियों का शासन था। उन्होंने तमाम अपने वैभव को छोड़कर इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, देश का आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व किया और इस देश को आज़ाद कराया। अनुज शिवहरी ने पंडित नेहरू के बच्चों के प्रति विशेष स्नेह का जिक्र करते हुए कहा, पंडित नेहरू को चाचा नेहरू इसलिए कहा जाता था क्योंकि उन्हें बच्चों से बहुत लगाव था। उनका मानना था कि आज के बच्चे ही कल के भारत का निर्माण करेंगे। हम जिस तरह से बच्चों की परवरिश करते हैं उससे भारत का भविष्य तय होता है। उन्होंने ये भी कहा कि पंडित नेहरू ने बोकारो इस्पात कारखाना, भाखड़ा नांगल बांध जैसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं का निर्माण कर देश के बुनियादी ढांचे को सशक्त किया था। सी न्यूज़ के लिए आदर्श शर्मा की रिपोर्ट।